सभापति महोदय, ये सही है कि जो काम सुनिए प्लीज सुनिए बोलिए हम सबको बहुत पहले कर लेना चाहिए था उसमें हम लेट हैं, और हम नहीं पूरा राष्ट्र ही लेट है। पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो जगह पर ही इस तरह के विश्वविद्यालय है। अब उसी कतार में सभापति महोदय हम भी शामिल होने जा रहे हैं। दिव्यांगों का जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, कई बच्चे इस तरह की दिव्यांगता को प्राप्त होते हैं कि परिवार के लोग भी अपने साथ रखकर उनका पालन नहीं कर पाते। हम में से जो भी इन दिव्यांगों के लिए बने हुए विद्यालय या छात्रावास में जाता है, उसको यह अनुभव होगा कि वो बच्चे किस तरीके से अपने वार्डन से जुड़ जाते हैं, किस तरीके से अपने टीचर से जुड़ जाते हैं, और गांव के लोग, कस्बे के लोग या जो भी वहां विजिट करते हैं, जब उनके लिए जिस तरह का भी तोहफा लेकर के जाते हैं, उनके चेहरे पर किस तरह के उल्लास के भाव होते हैं, आपको भी भावुक कर देते हैं। और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो उनकी सेवा में अपना योगदान करते रहते हैं, संस्थाएं भी करती रहती है। इस सरकार के जो भी प्रभारी मंत्री हैं, जिस जिले में भी गए हैं, जब भी गए हैं, उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को देखें, उस व्यवस्था को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसमें सुधार करें। कई जगह पर उन बच्चों के लिए अगर खेलने या मनोरंजन की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो वो भी प्रयास किए गए कि स्थानीय निकाय के माध्यम से या दूसरों माध्यम से वो व्यवस्था की जाए। अभी मुझसे पूर्व कॉमरेड बलवान पुनिया ने बात कही कि 10 लाख रुपए विधायक कोष से वो देने की घोषणा करते। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी कि ये जो प्रावधान 8 करोड़ रुपए समथिंग का किया है आधारभूत ढांचे के लिए, रेकरिंग एक्सपेंडिचर तो अलग है, वो बहुत कम है। तो सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि पूरे सदन के 200 विधायकों के 10-10 लाख रुपए आप आसन से व्यवस्था दें कि इस पुनीत और पवित्र कार्य के लिए इस संस्था को दिए जाए, जिससे 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस इंस्टीट्यूशन को और अधिक बेहतर चलाने के लिए प्राप्त हो सकेगी। ये दूसरे वाले सरकार कह देगा हम कंगले हो गए, हम दे देंगे। कौन कंगला है और कौन दिलदार है वो भी मैं बताऊंगा। ये तो इसलिए कह रहा हूं कि हम सब में भी ये भाव आए कि इस पुनीत कार्य में हम भी सीधे तौर पर भागीदार बने हैं। सरकार तो सक्षम है ही, जब उसने जमीन की व्यवस्था की है, जब उसने ये करने की घोषणा की है, वरना देश के इतने राज्यों में ये संस्था क्यों नहीं खुल पाई। अब आप कंगले की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती है। पिछले साल में जो बजट का प्रावधान रखा था, क्या उस प्रावधान को इस साल नहीं घटाया? आप विश्वविद्यालय तक ही सीमित रही है, इस बिल तक सीमित रही है। प्लीज इस बिल तक ही सीमित, माननीय सभापति महोदय, आप इस बिल तक ही सीमित रही है। आज समय की थोड़ी कमी है माननीय सभापति महोदय, 10 लाख रुपए मेरे भी रिफंड के ले गए। आपके साथ क्या समस्या है सभापति महोदय, कि जो बात कह रहा हूँ उसका रेफरेंस क्या है वो सुनने से पहले ही आप इंटरवीन कर देते। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इन विकलांगों से रिलेटेड है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब मैं आपको निवेदन करूंगा, भारत सरकार ने एनएससीपी में 80% से ज्यादा जिसकी विकलांगता है उसको पात्र माना है। तो कंगले तो वहां बैठे हुए हैं, उन कंगलों को कल दो कि इसको घटा करके 40% या 50% पे लाओ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, जो गलतियां लगातार हम करते आ रहे हैं, हमने उच्च शिक्षा पर भी चर्चा की है बहुत बार, और अब फिर ये जो कुलपति की नियुक्ति का आपने व्यवस्था रखी है, जो सर्च कमेटी बनाई है,
जो कुलाधिपति को अधिकार दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट लाइए और ये कुलपति की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार को अपने पास रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का बोर्ड का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य हूं, जिसको इन्होंने पिछली बार बंद कर दिया था। इस सरकार ने शुरू करने की कोशिश क्या हुआ, भर्ती निकाली टीचर्स की, कुलाधिपति ने रोक दी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग है, कुलाधिपति ने रोक दी। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे विनती करूंगा, ये कुलपति की नियुक्ति का जो आपने प्रावधान किया है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार में होना चाहिए और राज्य सरकार को ही ये कुलपति की नियुक्ति करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा, आपने इस एक्ट में यह नहीं बताया कि आप कौन कौन सा पाठ्यक्रम चलाने वाले हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि टीचर्स का अभाव है, तो जब आप घोषणा इतनी पहले हो गई, इतने दिनों के बाद जब आप बिल ला रहे हैं, तो कम से कम इसका जिक्र तो आपने करना चाहिए कि आप कौन कौन सा पाठ्यक्रम यहाँ पर चलाएंगे। क्या डीएड बौद्धिक दिव्यांगता का पाठ्यक्रम होगा, क्या बीएड बौद्धिक दिव्यांगता का पाठ्यक्रम होगा, क्या श्रवण बाधित विकलांगता बीएड का पाठ्यक्रम होगा, क्या श्रवण बाधित दिव्यांगता बीएड का पाठ्यक्रम होगा, क्या डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होगा। और इसके अलावा, चूंकि आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी के रूप में आप चलाना चाहते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, भूगोल है, इन सब की पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी, ये तो आपको खुलासा करना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो ये यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो क्या इसमें दिव्यांगों को आरक्षण होगा कि नहीं होगा एडमिशन के अंदर, वो भी आपको स्पष्ट बताना चाहिए, क्योंकि आप इसमें रेगुलर स्टडी भी कराने वाले हो। ये सारी चीजें आप करें और मैं आपके माध्यम से यही धन्यवाद दूंगा सरकार को, मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें उस बोध से जोड़ने का काम किया इस सरकार के माध्यम से, और इस काम से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का पूरे राजस्थान में प्रसार होगा। मैं जो जनमत जानने का प्रस्ताव मैंने दिया है माननीय सभापति महोदय, वो प्रस्ताव अपना वापस लेता हूं। धन्यवाद। सुश्री दिव्या मदेरणा, श्री पुखराज गर्ग।